Jain does not favor dynastic rules by any family, and particularly ones having first names like Rahul, Varun or Sonia. But we reserve the right to support Priyanka as long as she does not use Vadera as her last name. Convoluted. Very. Jain. Hello and welcome to Jai Hinds. जी हाँ, मैंने अभी अभी गलत अंग्रेजी का प्रयोग किया क्योंकि मैंने आज ही चेतन भगत का नया नॉवल रेवोल्यूशन 2020 पढ़ने की कोशिश की. And I must tell you, it's grippings. 20 pages पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले को अपनी ग्रिप पे लेकर दबा रहा है. It was that kind of grippings. लेकिन जैसा कि होता है, चेतन भगत का नॉवल केरोसिन की तरह बिका और एक ही हफ्ते में बेस्ट सेलर बन गया. और जैसा कि बरख दत्ता हमारा कहता है कि इसके पीछे जिम्मेदार है छोटे शहर के बेवकूफ लोग, आई थिंक चेतन भगत IIT और IIM का स्टैंप लगाकर फटी हुई अंडीज भी बेचेंगे तो बिक जाएंगे. और वेट, वो पिछली 4 बुक्स से एक्चुअली यही तो कर रहे हैं. खैर, उनकी नई किताब के पहले चैप्टर में चेतन भगत ने खुद अपनी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है कि आई कुड इमेजिन हिम शैगिंग टू हिज ओन फोटोज. बट सीरियसली, अगर आप सच में कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं विच इज रिटन फॉर द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, और इसमें सिर्फ मैं सिर्फ रादर इंसानों को नहीं आपके शहर के कबूतरों को भी गिन रहा हूँ, देन गो फॉर इट, स्पेशली द कबूतर्स अमंग यू. जैसा कि हमने एक बार कहा था, अरिंदम चौधरी मैनेजमेंट स्कूल्स के बंगाली बाबा है, आई थिंक उसी तरह से चेतन भगत इज बाबा करीम पाशा ऑफ इंडियन लिटरेचर. व्हाट डू यू से? हिज लिटररी वॉइस इज एज थिन एंड स्क्वीकी एज द रोड साइड अनाउंसर्स फॉर पहाड़ी जड़ी बूटी. कुचली हो रही हो, पेट में दर्द हो, अग्रह कलेश हो, लड़की नहीं भाव देती, बाप मारता है, दस्त लग गए, दस्त बंद हो गए, अगर बिजनेस नहीं जम रहा है, आंख में फुंसी हो रही है, प्रेमिका को डाकू उठा के ले गए, किसी भी तरह की समस्या का 101% शर्ती इलाज, IIT और IIM का टेस्ट किया हुआ, देश की मिडिल क्लास का परखा हुआ रेवोल्यूशन 2020. 20-20 बार अपने कुत्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व होकर कहो रेवोल्यूशन 2020. बट इस किताब की पब्लिसिटी के लिए चूतिया भगत ने अच्छा तरीका निकाला है. इंफोसिस के एक्स चेयरमैन NR नारायण मूर्ति से झगड़ा कर लिया और न्यूज में आ गया. बताओ, अब नारायण मूर्ति रिटायरमेंट के बाद भी किसी के इतने काम आ सकते हैं, ये किसी ने सोचा था? फिर और मजेदार झगड़ा था. नारायण मूर्ति ने कहा IITians का स्टैंडर्ड गिर रहा है. भगत ने कहा इंफोसिस बॉडी शॉप है. इंफोसिस वालों ने कहा भगत की क्या औकात है? और मैं कहता हूं तीनों लोग ही सच कह रहे हैं. IITians का स्टैंडर्ड गिर रहा है, इंफोसिस बॉडी शॉप है और भगत की क्या औकात है. और इसी शानदार ख्याल पे टेक अ ब्रेक, वापस आकर और बक करेंगे और आकर और बक करेंगे और बक करते रहेंगे. मजा. पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में 9/11 की 200वीं सालगिरह पर अमेरिका के अखबारों में VR with you टाइप के एड छपवाए और इसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के अखबारों में एड छपवाए जिनमें लिखा था VR not with. पाकिस्तान की इस एड का मतलब ये था
कि हमने भी टेरर की इस लड़ाई में बहुतों को खोया है और इसीलिए हम आपका दर्द समझते हैं। बस फर्क इतना है कि पाकिस्तान ने जिनको खोया है उन्हें भी पाकिस्तानियों ने ही मारा है और अमेरिकन्स को भी। लेकिन ये बड़ा बायस है पाकिस्तान का, अमेरिका में 9/11 एनिवर्सरी पे ऐड दे दिया और हमारे अखबारों में जो 26/11 एनिवर्सरी, कारगिल 1971 वॉर, 1965 वॉर, इन सब की एनिवर्सरी पे कोई ऐड नहीं दिया, कभी नहीं दिया। बोल हम तुम्हारे साथ हैं, कम से कम दो बॉम्ब ब्लास्ट के बीच वाले सारे दिनों में तो साथ ही है ना। चर्च के कुछ फैनेटिक्स ने हाल ही में अमेरिका में जगह जगह ये रोड साइन लगाया है। और अगर इस साइन को ध्यान से आप देखें तो मुझे लगता है वैटिकन के प्रीस्ट ही कम से कम 4 काउंट्स पे सीधे नरक जाने वाले। ये सुनिए, रीटा बहुगुणा ने हाल ही में कांग्रेस की एक मीटिंग अटेंड करने के बाद कहा, सोनिया जी पहले से भी यंग लग रही है। आई थिंक उन्होंने गलती से प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी समझ लिया होगा। बस अब जयराम रमेश को देखकर ये मत कह देना रीटा जी के, हाँ इंदिरा जी वापस आ गई। खबर है कि LPG सिलेंडर जल्दी बस 710 रुपए का होने वाला। यस, अब घर पे खाना बनाने के लिए भी अवतार फिल्म के हमारे सचिन पिलगांवकर की तरह खून बेचना पड़ेगा। अरे सचिन जी से याद है भाई, मेरा नया शो आ गया स्टार या रॉक स्टार ZTV पर, सैटरडे और संडे को आता है 8:30 बजे। वोट करना तुम्हारी इधर, इतनी मैं मरा जाऊँ। टाइप SUMEET एंड सेंड इट टू 57575। पिछले एपिसोड में यार मैं एलिमिनेट होने वाला था, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर भर भर के वोट भेजिए। थैंक यू। थोड़ा ऑफ टॉपिक का क्या है ना, अपनी भी पब्लिसिटी करता हूँ। ये मेरा ही शो है, मैं कुछ भी करूँ। मैंने आज रेड कलर की चड्डी पहनी, ये भी मैं बता सकता। और ये हाँ सॉरी, अवतार की बात हो रही थी, तो वो अवतार नहीं है जो ब्लू कलर घोड़ों वाली जो फिल्म थी, वो वाली अवतार नहीं है। हाँ, अरे ये तो अपनी काका की अवतार थी रे, याद है ना, तो काका का हाथ यहाँ पे था और कंटिन्यूटी जर्क बहुत बार यहाँ पे भी गया है वो। अच्छा हो गया और नीचे नहीं गया वो। हाँ, पता नहीं चलता खून ले या और कुछ ले। पिछले दिनों सचिन ने, अच्छा ये अलग सचिन है, वो सचिन पिलगांवकर, ये सचिन तेंदुलकर। सचिन ने अपने नए घर में प्रवेश किया और BMC ने कहा कि उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा क्योंकि सचिन ने जो है वो कानून को तोड़ेला है, बिना वो OC मतलब वो ऑफिसर चॉइस नहीं रहे, वो रात को पीता में बिना वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के घर में रहने लग गया है, वो इलीगल है। अब ये खबर प्रूफ है कि आफरीदी और शोएब कितना झूठ बोलते। सोचिए जिस सचिन के पैर गैर कानूनी काम करते हुए नहीं कहां पे, उनके पैर शोएब की गेंदबाजी से कैसे काम सकते हैं? दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD में टीचर्स की भर्ती के लिए ऐसी एप्लीकेशन आई जिनमें एप्लीकेंट्स के फोटो की जगह कुत्ते बिल्ली और दूसरे जानवरों के फोटोज लगे हुए। कितने दूरदर्शी है ये एप्लीकेंट, उन्हें मालूम है वैसे भी भर्ती होने पर MCD की सैलरी में इन लोगों को कुत्ते बिल्ली की तरह जीना पड़ेगा, तो फोटो भी उन्होंने वैसी दी। अन्ना हजारे के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के भ्रष्टाचार से तंग आकर उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ घोषणा पत्र पर साइन करवाया। हालांकि कुछ पुलिस वालों ने उस पर साइन करने से साफ मना कर दिया, उनका कहना था कि जाओ पहले हमारे सीनियर्स के साइन लेकर आओ जिन्होंने हमें घूस लेने को कहा। अन्ना का इस पर कहना है, अगर तुम डायलॉग खेलोगे तो हमारे पास भी शान फिल्म का डायलॉग है। भी मेरे साथ मेरे मगरमच्छों ने भी कुछ नहीं खाया है, तपंचन के बाद वो बहुत ही भूखे हैं, बताओ साइन करोगे या फिर
15 दिनों से टट्टी नहीं आई। हाँ जी, तो मायावती ने कहा है कि अब सरकार को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर और जुडिशियरी में भी एससी एसटी सीएसटी सीएससी मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नहीं अलग है, हाँ, को रिजर्वेशन दे। मतलब सोचिए प्राइवेट सेक्टर में तो क्रिएटिव फील्ड्स यानी कि फिल्म्स और टीवी भी आते हैं, अगर यहाँ भी रिजर्वेशन लागू हो गया तो मेरी जगह ये होस्ट करेगा। जय हिंद। ये हाँ, खैर, बिग बी हाल ही में अमर सिंह जी से मिलने अस्पताल गए। ये मुलाकात खास थी क्योंकि बहुत दिनों से दोनों के बीच में यू नो शीत युद्ध जैसा माहौल था, कोल्ड वॉर। लेकिन अब अमर सिंह जब जेल से अंदर बाहर हो रहे हैं, ऐसे में बच्चन साहब का उनसे मिलना काफी इमोशनल रहा होगा। इनफैक्ट कितना इमोशनल रहा होगा उसकी एक छोटी सी झलक हमें मिली है इस लीक्ड एमएमएस से। देखिए, अमर सिंह कैसे भाई? आप आ गए, आपको मेरी याद आ गई। हाँ, आज अचानक से जब खुद को बिना हेयर पैच के देखा तो लगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसीलिए मिलने चला गया। बड़े भैया, छोटे भैया, बड़े भैया, एक बार फिर से वही गाना सुना दो ना। कौन सा? वही वही जो हम बचपन में गाया करते थे। साथ में गाना होगा? हाँ हाँ, गाऊंगा गाऊंगा। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम, हम दूसरे के बेकरार हम, हम 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 एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। सुना आपने तुषार कपूर की पहली फिल्म मुझे कुछ कहना है का भी सीक्वल बन रहा है, और मुझे इन लोगों से यही कहना है कि उसे जो भी कहना है वो किसी को नहीं सुनना है मेरे भाई। प्लीज ज्यादा से ज्यादा एसएमएस भेज दें, हम लोग पढ़ लेंगे भाई। और तुषार कपूर की फिल्म का सीक्वल बनाना इज लाइक जॉर्ज बुश को यूएस प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट करना। और बाकी है अभी नहीं बताऊंगा, जाओ क्या उखाड़ लो। क्या बात, अगर चेतन भगत के फैंस नहीं हो तो पढ़ना जानते होंगे, और वीडियोस के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन से जान जाओगे कि क्या है अगले सेगमेंट में। हाँ तो फिर देखो ना यार, बैंड बजाओ यार। An observation I made in my sleep last night. Two things to be noted. It's a very bad sign when one makes observations in sleep. And it's even worse when the observation goes like this. You know when a country is totally, completely jab us desh ke political parties sting operations kar rahe hain aur desh ke news channel wale ministries baant rahe hain. Pata nahi isme dream kyun keh raha hu. Nightmare yaar. Haan, aur ye sapne mein nahi, रियलिटी में हो रहा है। अब लौटते हैं और भी भयानक न्यूज पर। राज ठाकरे का कहना है कि नरेंद्र मोदी विल मेक अ गुड पीएम। यस, एंड मोदी सेड राज ठाकरे विल मेक अ गुड नॉर्थ इंडियन। सुनने में आया है कि राजस्थान असेंबली में एक विजिटर सेक्शन बनने वाला है। जी हाँ, जहां से आप एक नया स्पोर्ट्स लाइव देख सकेंगे। इट्स कॉल्ड फुटवेयर फ्लाइंग। चिदंबरम का कहना है रिच मैन शुड बी टैक्स मोर।
ये तो अच्छी बात है सर, आप प्लीज ज्यादा टैक्स दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, ज्यादा दीजिए। लास्ट मंथ हामिद करजाई ने कहा, इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर पाकिस्तान हमारा जुड़वा भाई है। आई एग्री, पाकिस्तान अफगानिस्तान का ट्विन है, इविल ट्विन। जब से सरकार ने पकड़ पकड़ के करप्ट पॉलिटिशियंस को जेल में भरना शुरू किया है, वो अपना ब्लैक का पैसा कहीं भी छुपाने लग गए। जी हाँ, ये क्या शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और माइनिंग बैरन जनार्दन रेड्डी ने, एक का पैसे से भरा बैग ट्रेन में मिला और दूसरे के पैसों से भरे खूब सारे बोरे ट्रक में मिले। इन दोनों की ऐसी हरकतों की वजह से पेरेंट्स के नाक में दम हो रखा, क्योंकि आजकल की बढ़ती महंगाई में बच्चों को पैसों की वैल्यू सीखना मुश्किल होता जा रहा है। जब भी वो बच्चों को डांट के कहते हैं, नहीं हम वो खिलौना नहीं खरीद के दे सकते, पैसे का पेड़ पे उगते हैं, तो बच्चे पलट के जवाब देते, पेड़ पे नहीं उगते तो क्या हो, हा? ट्रेनों और ट्रकों में बोरियों में भरे हुए तो मिलते हैं हमें। एल के अडवाणी जी ने हिंट दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई नेचुरली अभी तक तो उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग यात्राओं के लिए ही की है, तो रेस में दौड़ना तो मुश्किल ही होगा ना उनके लिए। अच्छा किया सर जो आपने सोचा कि इस उम्र में आप ये रेस नहीं दौड़ेंगे, थैंक यू वेरी मच, वरना हमें फिर से किसी प्राइम मिनिस्टर के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की फीस भरनी पड़ेगी। सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 रुपए पर डे कमाने वाला आदमी पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ये अच्छा किया सरकार ने, गरीबों को ऊपर नहीं ला पाई तो मैं गरीबी रेखा को नीचे ले आई। इट्स लाइक सागर फिल्म के जाने दो ना, उस गाने की तरह। ऋषि कपूर जब भीगी हुई सेक्सी डिंपल को अपनी तरफ खींचते हैं और वो नहीं आती, तो उसकी साड़ी में लिपट के खुद ही उस तक चले जाते। बस यही काम हो रहा है यहाँ पर। एंड लाइक इन द फिल्म, यहाँ भी गरीब इज गोइंग टू बी टोटली स्क्रूड। खैर मैंने कल ही 40 रुपए किलो वाला एक टमाटर खाया, विच मीन्स मैं अब पॉवर्टी लाइन के ऊपर हूँ। बाबा रामदेव ने घोषणा की है कि वो 1,00,000 किलोमीटर की पद यात्रा पर जाएंगे। 1,00,000 किलोमीटर, वो 1,00,000 किलोमीटर दूर कहां जा रहे हैं, क्या प्लूटो पे जा रहे हैं? और आजकल सबके ना यात्रा का कीड़ा घुस गया है। मोदी जी गुजरात यात्रा पे जा रहे हैं, आडवाणी जी रथ यात्रा पे, बीजेपी के बाकी लीडर एक मिनी यात्रा पे, बाबा जी पद यात्रा पे। ये सब देख के मुझे तो मतलब राधा मेरा तो मन करता है कि एक नई ऑनलाइन ट्रैवल प्लानिंग एजेंसी खोल, मेक माय रथ यात्रा padyatra.com, एंड टू एंड सॉल्यूशन, यात्रा के रूट की प्लानिंग से लेकर रास्ते में कहां कहां रुकना है, कहां की लोकल प्रेस को कितना दारू चिकन खिलाना है कि आपकी यात्रा की न्यूज छपे, कवरेज मिले, मीडिया कवरेज, कहां रात बितानी है, कहां और कैसे सोते हुए नेताजी की जेब से नोट निकालने हैं, और यात्रा के बाद कहां हिप जॉइंट का ट्रीटमेंट कराना है, सब एक ही वेबसाइट से मैनेज हो जाए। ये देखिए, और अगर यात्रा फेल हो जाए तो मुंह छुपाने के लिए कोई अच्छा होटल चाहिए हो तो उसका भी ऑप्शन इसी वेबसाइट पे मिल जाए, है ना। चलो, और अब वक्त है आज के हमारे एक नए सेगमेंट का। जब जब दुनिया में पुण्य बढ़ता है, अच्छाई बढ़ती है, सत्य बढ़ता है, तब तब उसे मिटाने के लिए जन्म लेता है एक ऐसा मसीहा जो बाप नहीं, बाप का बाप है, डार्थ वेडर का ओरिजिनल चेला, रिप्रेजेंटिंग द डार्क साइड ऑफ द गांधी फैमिली,
द वन एंड ओनली डार्थ वडेरा द इंटरगैलेक्टिक स्मगलर। गैलेक्सी वालो मुझे पहचानो, पूरी दुनिया मेरा डेरा। पहले मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और NCR से मेरे सारे काले धंधे चलाता था, लेकिन जब से मैंने प्रियंका से शादी की है मेरी तो किस्मत बदल गई। मेरी सासू माँ ने मुझे इंटरगैलेक्टिक परमिट दिया है। मैं किसी भी प्लैनेट में बिना सिक्योरिटी चेक से घुस सकता हूँ। कल मैं अल्फा डबल सेंचुरी नाम की गैलेक्सी में घुस रहा था और सिक्योरिटी वाले ने मुझे रोकने की कोशिश की। उस गैलेक्सी से मैंने स्मगल किया है ये और ये। तो आप लोग दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी प्लैनेट पे हो और कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो याद करना मुझे, डार्थ वडेरा इंटरगैलेक्टिक स्मगलर। गैलेक्सी वालों मुझे पहचानो, पूरी दुनिया मेरा डेरा। तो ये था डार्थ वडेरा का इंट्रोडक्शन। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे डार्थ वडेरा के और एडवेंचर्स। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। टिल देन अब बिना कोई वक्त जाया किए सीधा चलते हैं बरक दत्ता के पास आज की लेट नाइट न्यूज सुनने के लिए। चलिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता। आज मैंने अपने बाल शैंपू से धोए हैं, ये है LNN। और आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, एशिया कप जीतने पर भारत सरकार ने इंडियन हॉकी टीम को इनाम में दिए सोडेक्सो कूपन। जी हाँ, एशिया कप जीतकर वापस लौटी हॉकी टीम के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी है और टीम के हर खिलाड़ी को मिलेंगे 235 रुपए के सोडेक्सो कूपन। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं इंडिया के एक्स कोच एंड कैप्टन पर्वत सिंह जी के पास। पर्वत सिंह जी, कैसा लग रहा है ये खबर सुन के? ओ मैं की दसा बारक, आज तो लगता पा जिमें मेरे सारे सपने पूरे हो गए यार। बहुत ही भावुक मौका होगा आपके लिए। भारत सरकार ने पहली बार हॉकी टीम को इतना बड़ा कैश प्राइज देने की घोषणा की है। हाँ यार, जब मैं खेलता था 15 साल पहले तब जीते थे एक बारी एशिया कप है, तो इनाम में पता क्या मिले सी? क्या? ये एक मिनट खैर, आ कंगी दिती सी सरकार ने 50 पैसे दी। उस टाइम च 50 पैसे दी आंदी सी, पर हमने कहा चलो कुछ दे तो रही है सरकार, मना नहीं करते, इनाम की है हैं बाणाउनु समझो यार। उसके बाद 8 साल पहले मलेशिया कप जीते सी असी, तद पूरी टीम नु एक एक पाव। बस एक एक पाव मिला था? नहीं है, एक एक पाव मोटा वाला चावल मिलया सी, चावल। आज सोडेक्सो कूपन मिलया, किन्ना अगे बढ़ गया है साडा देश, किन्ने अगे हो गए ने असी। वाह वाह। तो हॉकी टीम खुश है इसी नाम से? ओ मुंडे नच नच के पागल होए जांदे ने, 235 रुपये इन्ना सारा खाना 4 साल च कदे नहीं खा सकते सी है। और किसी स्टेट दे मुख्यमंत्री ने साथ च वैट ते भी 50% डिस्काउंट देता। मतलब के खाने दे ते टैक्स भी बचेगा हुण तां। वही सर, वाहेगुरु जी।
मेयर है भी मेयर है। ब्रेकिंग न्यूज, सिर्फ सोडेक्सो कूपन ही नहीं, हॉकी टीम को मिलेगा वैट पर भी डिस्काउंट। और छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को मैं नहीं बताऊंगा डिस्काउंट का क्या मतलब होता है। चेतन भगत पढ़ो और खुद समझो सालों। और पर्वत सिंह जी, जाते जाते एक सवाल और, क्या ऐसे इनामों से टीम का मनोबल बढ़ता है या क्रिकेट की तरह खिलाड़ियों में करप्शन आता है? जो युवराज की तरह आलसी, निकम्मे और थुल थुल हो जाते हैं क्या? क्रिकेट आहा केड़ा गेम है या हाँ, इसका तो हमने नाम भी नहीं सुना आज तक। युवराज कौन है? हमको धनराज पता है, धनराज, धनराज पिल्ले। शुक्रिया पर्वत सिंह जी, आप प्लीज जाइए और अपने कूपन से कुछ खाना खाइए। आहो। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार हॉकी को इसी तरह इज्जत बख्शती रहेगी। ओए होए गुरु, ओए होए। पर्वत सिंह, पर्वत सिंह जी, क्या हुआ आपको? पानी, पानी पिला दो कोई, एक हफ्ते तुम पानी तक नहीं पीता मैं। बहुत मेहनत करते हैं हॉकी के खिलाड़ी, लेकिन अब बराबर इनाम भी मिल रहा है। और बाकी है, अभी तमिलनाडु विधानसभा ने पास किया बिल कि आज तक फांसी दिए गए सभी तमिल्स को वापस जिंदा किया जाए। और पाकिस्तान ने चाइना से कहा चलो कहीं भाग के शादी कर लें। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी सरकार से इनाम मिलने वाला है। तो यह था आज का जय हिंद। अगर कोई गलती हो गई हो या किसी को हमने ऑफेंड कर दिया हो तो उसे हम हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहते हैं कि घंटा। We'll be right back.